Hey guys, good morning, जय शंकर भगवान, जय बद्री विशाल। तो guys, सुबह हो चुकी है और भाई यू देखो आप, ऊपर धूप निकल गई है बिल्कुल और सोने के जैसा लग रहा है भाई। बर्फ पड़ी हुई है भयंकर वाली और भाई आगे स्वर्ग आरोही नहीं, जाने का प्लान था आज का हमारा, लेकिन बर्फ वो बारिश हो रखी है तो भाई वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। बोल रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तपत कुंड और फिर आगे माना जो हमारे देश का लास्ट गांव है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, वहां जाके फिर चलते हैं नीचे। तो जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ और देता हूँ आपको नज़ारे और भाई ऊपर दिखाता हूँ वहाँ आपको। एक बार बर्फ़ पड़ी हुई है भयंकर वाली, वो पड़ी हुई है बर्फ और उन पे धूप लग के कितने अब प्यारा दिख रहा है वो दृश्य। और देखो वापस बादल बनने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब अब यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर गए थे ऐसे ही था, लेकिन ऊपर सब जगह बादल ही बादल थे। और ये रही हमारी ऋषि गंगा और भाई देखो वो कितना प्यारा दृश्य है यार। सब कुछ मिला रे भोले, रहमत से तेरी तूने ही है जरूरी, मेरी बन के फकीर मचलिया जान में तेरी। तपत कुंड तूने ही है जरूरी, फकीरा मान जा रे कबीरा मान जा। देखो भाई कितना धुआं उठ रहा है गर्म पानी के उसमें, बिल्कुल धुआं उठ रहा है क्योंकि सबसे गर्म पानी होता है, मतलब हाथ भी नहीं लगाया जाता इसमें, आपने स्टार्टिंग वाले ब्लॉग में देखा भी होगा। देखो ओ, 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 ओ। आज इतना गर्म पानी नहीं है जितना पहले वाले दिन था, आज तो अंदर भी जा रहे हैं लोग, अंदर जा जा के नहा रहे हैं। हाँ लेकिन गर्म पानी बहुत है। तपत कुंड में स्नान करके आए भाई और सुबह सुबह तो भाई पानी नॉर्मली लगता है, मतलब गर्म है, लेकिन आप एक दो बारी उसमें अंदर जाके और डुबकी लगाओगे तो नॉर्मली पानी हो जाएगा। रात को तो बहुत गर्म होता है भाई, तो मेरी मानो तो सुबह सुबह ना हो उस टाइम पानी नॉर्मल मिलेगा, रात के हो जाए। मॉर्निंग में भीड़ देखो भाई बद्री विशाल टेम्पल के सामने, हम तो यहाँ तपत कुंड में नहा के और फोटो वगैरह लेने आए थे, लेकिन भीड़ देखो आप, मतलब बहुत भीड़ है। फोटोग्राफर की एक बात तो देखी भाई, वन क्लिक करके साइड करते हैं सब ने, इनका एक वन क्लिक साला दहाड़ी बनवा जाए इनकी, बाकी सही है भाई, बढ़िया चीज है, करना पड़ता है। तो भाई तपत कुंड में स्नान करके और बाहर से किए हैं बद्री विशाल जी के दर्शन, क्योंकि अंदर से कल कर लिए थे, खूब खुले दर्शन हुए भाई, उम्मीद नहीं थी, बहुत आनंद आया। और भाई अब अगले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हम जा रहे हैं माना गांव, जो हिंदुस्तान का सबसे लास्ट गांव है और सबसे लास्ट चाय की दुकान है माना गांव में, तो वहां जाएंगे और फिर आज कर लिए जितने दर्शन करने थे बद्री विशाल जी के, तो वापस जाएंगे हम केदारनाथ की तरफ माना गांव से आके। तो आप प्यार देते रहिए ब्लॉग को वीडियो को, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय शंकर भगवान, जय केदारनाथ भगवान, जय बद्री विशाल।